अरे बाहर निकलो, दरवाजा बंद करो, लाइब्रेरी बंद है आज। कोई भी चलाता मुंह उठा के। निखिल, वासु क्या हो रहा है ये सब? ये लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं भूत बताने में। फोन पे बताया था ना, कोई वहम नहीं है, आत्मा है, और वो यही कही है, और ये आना ने अभी आत्मा से बात की है, और ये बाबा ना बहुत बड़ा आदमी है, इन्होंने अभी तक जो कुछ भी कहा सब कुछ हो चुका है, पूछो उनसे। ऐसा है तो फिर बताइए बाबा कि अगर आत्मा है तो कहाँ है और यहाँ किस लिए आई है? वो आत्मा पापियों का, दुष्ट प्राणियों का सर्वनाश करने आई है। बालक बालक पनीर पालक, अलख निरंजन दांत में मंजन। वासु ये कोई बाबा नहीं, ठोंगी है। कोई आत्मा वात्मा नहीं है। जब से तुम्हारा फोन आया तब से मेरे आदमियों की नजर थी इन सब पर। इनका बहुत बड़ा चक्कर है वासु, तुम्हें अपने किसी प्लान में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम लोगों से तो मैं बाद में निपट लूंगा, चलो वासु। कहां जा रहा है? अच्छा हुआ तू आ गया, अब सच ये नहीं तू बताएगा। खुशी और जबरदस्ती को तूने मारा था। जान ली थी तूने उसकी, तड़प तड़प कर मरी थी वो। निखिल, इंस्पेक्टर डांडे, तो पुलिस भी तुम लोगों के साथ शामिल है? पुलिस किसी के साथ मिली हुई नहीं है निखिल, हमें सच्चाई का पता चल गया है बस। खुशी और जमनादास जी को तुमने जान से मारा था। अच्छा, इसीलिए तुम सब यहां सबूत इकट्ठा करने के लिए जमा हुए हो। तो बताइए क्या सबूत मिला? कम ऑन, टेल मी, व्हाट्स द प्रूफ? तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो ऑर्फनेज मेरे नाम पे है लीगली। उन बच्चों को तो मैं ऐसे बाहर निकाल फेंकूंगा। बहुत जल्द ये जमीन भी मेरे नाम हो जाएगी। कौन रोकेगा मुझे? मिस्टर डांडे, आप या तुम लोग? कौन रोकेगा मुझे? तुम गोपाल या तुम्हारे दोस्त? कोई कुछ नहीं। सजा रही है मौत की थाली, मुलगी शिखली प्रगति जाली। Thank you.
चढ़ा रहा है क्या फेंकने? अबे ऊपर से मत छोड़ना कह रहा हूँ, गिर गया तो मर जाएगा ना। खुशी खुशी प्लीज रुक जाओ, डोंट डू दिस। हमें जान लेकर नहीं, सजा दिलवा के इंसाफ करना है। खुशी खुशी तुम जहां भी हो उसे माफ कर दो। निखिल बोल दे, कन्फेस कर दे कि तूने मारा था खुशी और जमुना दास जी को। इसकी जान लेकर आश्रम हमारा नहीं होगा खुशी। एक बार आश्रम के बारे में सोचो, आश्रम के बच्चों के बारे में सोचो।